आर यू हैप्पी विद दिस जॉब? यस सर, हैप्पी, थैंक यू सर. यस एब्सोल्युटली आई एम हैप्पी. आपको मेरी स्माइल से दिख रहा होगा. या आई थिंक यू वुड हैव सीन थ्रू मी. आई एम वेरी हैप्पी. आई एम थिंकिंग फ्रॉम 20 इयर्स फ्रॉम नाउ सी यू. आई एम वेटिंग फॉर दैट डे. Teaching is not a profession most people aspire to become, but actually end up becoming one in lack of better options. But I always wonder, why don't people prefer this profession? Payment is good, it's challenging, and there is always something new going on. Still, why? Last year, I got recruited in Akash as trainee faculty. The welcome ceremony, aka the induction ceremony, was just amazing. We got a staying in 5-star hotel. Everything seems too good to be true. And that question of why people are not choosing this career over other became even more unclear. Then we had 3-month training. It's probably one of the best one can get. For sure, it was very hectic. Almost every day we had tests, had to prepare lecture plan and give demo once a week. We were allotted master trainer to guide us through all this. He was probably one of the best teachers I came across in my life. With all this, we would also have soft skill classes. It was really interactive. We learned a lot about student psychology, different learning techniques, listening skills, speaking skills, and had a lot of fun and interactive activities. But that question still bugged me. I joined Akash Ranchi in November. For first 6 months was our probation period. Your workload will be comparatively less than your seniors. Along with me, few others faculty also joined. So let's ask everyone to share their experience to get an unbiased view. On the basis of last 1 year experience, do you feel you made the right choice choosing this career? देखिए, to be honest, career में तो कोई problem नहीं है sir. Career तो बहुत ही अच्छा चुना है. बट सर कभी कभी ऐसा लगता है कि वर्क लाइफ बैलेंस करना मुश्किल हो जाता है. डेफिनेटली इट्स अ राइट चॉइस फॉर मी, है ना. बिकॉज मैंने देखा है कि बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो मेरे अलग अलग कंपनी में हैं, तो कहीं ना कहीं, है ना, मेरा जो वर्किंग कल्चर है इस फील्ड का वो थोड़ा अच्छा है. बट हाँ, करियर इज़ वेरी गुड सर, क्योंकि टीचिंग इट्सेल्फ एक बहुत ही डायनेमिक प्रोफाइल है. आप एज अ सेलिब्रिटी जीते हो सर. आप डेली जाते हो, अपने आप को एक्सप्रेस करते हो. और अगर आपके आप कितना भी लो फील कर रहे हो, व्हेन यू आर गोइंग देयर एंड व्हेन यू आर एक्सप्रेसिंग देयर, यू फील वेरी गुड एट दैट टाइम. सही निर्णय था मेरे लिए, क्योंकि मुझे टीचिंग ही करानी थी. और द मोटिवेशन इज करेक्ट एंड आई एम लाइकिंग द स्टफ दैट आई डू हियर यूजुअली. व्हाट आर सम ऑफ योर एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी एक्सपीरियंस आफ्टर जॉइनिंग टीचिंग प्रोफेशन? माय मेजर एक्सपेक्टेशन वाज दैट लाइक आई वुड कम हियर देन द टीचर्स वुड बी वैल्यूड अ लॉट. वर्कलोड कम होगा और इजी जॉब है. यहाँ 9 आवर्स ड्यूटी करनी है और 9 आवर्स में आपको ऐसा नहीं कि 1-2 क्लास ही मिलेगा, जितने भी क्लास मिलेंगे आपको लेने पड़ेंगे. सर लुक, एक्सपेक्टेशन वाज दैट डेफिनेटली टू अर्न गुड मनी. लोगों को लगता है बाहर से ना कि बहुत सारे पैसे मिल रहे होते हैं, बट ऐसा कुछ है नहीं, है ना. आपको धीरे धीरे मिलेगा. एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के लिए आपके पास टाइम नहीं होगा. फील्ड में, है ना, आपके पे हमेशा एक प्रेशर होगा कि आपको सिलेबस कम्प्लीशन करना. अभी तक आपको कितनी बार ऐसा ख्याल आया कि कहाँ आ गए, कहाँ फंस गए ये जॉब ज्वाइन करके, ऐसा कुछ? या इनिशियली व्हेन वी वर गोइंग थ्रू द ट्रेनिंग दैट 3 मंथ्स, मतलब हमने अपना बेस्ट दिया सर, और बच्चों को वो चीज़ समझ में नहीं आया, और सामने से अगले बैच का भी प्रेशर है सर जिसमें आपको जाके पढ़ाना है, तो उस वक्त अपने क्रेडिबिलिटी पे थोड़ा सा संदेह हो जाता है सर. ये चीज़ें हुई है सर. What is the biggest change that came into your life after starting this job? I mean, how your life changed from college life to work life? जब हम कॉलेज लाइफ में होते हैं तो हमें वर्कलोड नहीं होता है किसी भी चीज़ का, बट हम जैसे ही वर्क लाइफ में आते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है. कॉलेज लाइफ तो बहुत ईजी होता है, सिंपल, दोस्तों के साथ. बट नाउ आई बिलीव कि संडे इज नॉट अ हॉलीडे सर. What are some of the challenges you face when you first started teaching and how did you overcome them? Yes sir, of course. मैं आपको बताता हूँ सर, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आई वो ये दिक्कत आती थी सर कि कभी कभी कुछ कुछ टॉपिक्स जो हमें पढ़ाने जाना रहता था सर, वो हम भूल जाते थे सर. तो उनको हमें, मतलब, मैनेज कर पाना, क्योंकि नंबर ऑफ क्लासेस भी है या रैंडम आपको क्लासेस में जाना पड़ेगा, वो हम लोगों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था सर. आपको अगले दिन क्या पढ़ाना है, किस चैप्टर में, किस सीक्वेंस में पढ़ाना है, ये सब, क्योंकि आपने अभी तक कॉलेज में पढ़ा है, ठीक है. पढ़ना और एक पढ़ाना, दो डिफरेंट चीज़ें. कभी कभी बीच बीच में कुछ बच्चे हैं ना क्लास को बहुत ही डिस्टर्ब करते हैं,
तो उन सब से है ना थोड़ा सा बचना, कि क्लास को है ना कि डिस्टर्ब ना करे और उनको भी है ना साथ में लेके चले। हाउ इज योर वर्क लाइफ बैलेंस एंड हाउ डू यू मैनेज इट? टीचिंग प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पर वर्क लाइफ हेक्टिक रहेगी सर। इसके पीछे ये रीज़न है सर कि हमें जा करके लाइव क्लासेस लेनी है सर, और ये लाइफ है सर, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स हमेशा आएगा। तो कभी कभी ऐसा होगा सर कि हमारा लाइफ में डाउन्स आएगा, कभी अप्स आएगा, कुछ पर्सनल चीज़ें हैं जो मेरे साथ भी हुआ, बट उसके वजह से आप क्लासेस को मिस नहीं कर सकते। तो ये एक डिसिप्लिन जॉब है सर। मतलब ऐसा नहीं है कि वर्कलोड ज़्यादा है और हम इन्जॉय नहीं कर पा रहे, हमें छुट्टी टाइम टू टाइम छुट्टी भी मिलता है। मेरा वर्क लाइफ बैलेंस ठीक है, मैं वीकेंड पे मूवीज़ वगैरह देख लेता हूँ या फिर मैं क्रिकेट मैच वगैरह देखता हूँ, तो मुझे उसके लिए टाइम मिल जाता है। बट अल्दो बहुत ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि 9 आवर्स की ड्यूटी के बाद आपको फिर से घर में जाके फिर से पढ़ना पड़ता है, जिस वक्त जो हम पढ़ाने वाले हैं, या अगर हमें कोई चीज़ प्रिपेयर्ड करनी होती है, क्वेश्चंस बनाने होते हैं। तो वर्क लाइक बैलेंस इस तरह से है कि अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल वाले पर्सन है कि मुझे बहुत ज़्यादा एक्सप्लोरिंग करना है, कि बहुत सारे जगहों पे जाना है, तो वो थोड़ा दिक्कत करेगा ना। आप चाहोगे कि मुझे 10 दिन की छुट्टी मिल जाए, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट है, क्योंकि बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ टीचर्स होते हैं, तो आपको छुट्टियाँ भी उसी हिसाब से मिलेगी। जब सेशन बंद हो रहा हो, एंड पे हो, तभी आपको एक अच्छी छुट्टी मिल सकती है। जो टीचिंग प्रोफेशन डजन हैव ग्रेट वैल्यूज इन पीपल्स आई, दे थिंक इट्स अ इजी जॉब एंड डज नॉट गिव एज इम्पॉर्टेंस। व्हेन यू एक्सपीरियंस समथिंग लाइक दैट, व्हाट डू यू फील, व्हाट यू टेल योरसेल्फ? I have faced this in classes also. Some students think that, sir, why have you chosen, you, even though you are from IIT Roorkee, still you have chosen this teaching job, why you should have gone to scientific jobs? But I tell them that this is a noble profession, you don't understand. Once you will go into higher classes, then you will understand the real value of a teacher. जो educated लोग हैं वो तो ऐसा नहीं सोचते हैं, ठीक है, मतलब जो भी educated लोग हैं, teacher एक ऐसा teaching एक ऐसा profession है, और teacher की हमारे देश में पता है कितनी इज्जत होती है, ठीक है, और जो भी लोग बनते हैं वो टीचर के थ्रू ही बनते हैं। आई टेल माई सेल्फ दैट दे आर रॉन्ग सर, डेफिनेटली आई एम डूइंग हार्ड वर्क सर, जिसके वजह से बच्चे खुश होते हैं सर। व्हेन बच्चों का रिजल्ट आता है, दैट इज द बिगेस्ट पॉइंट वी यूज टू सी सर। व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू अदर न्यूली जॉइंड टीचर हु आर जस्ट स्टार्टिंग देयर टीचिंग जर्नी? आई थिंक द फर्स्ट थिंग यू शुड डू इज यू बी वेरी हम्बल, यू टेक एडवाइस फ्रॉम एनीवन एंड यू हैव दैट लर्निंग एप्टीट्यूड। You should be able to learn from even the students and even from the senior faculty. I'll suggest them, it's a very good platform to express yourself. You can come, you can enjoy, but definitely if you have interest in teaching, not for earning money only. 2-3 saal hai na, bahut zyada aapko padhna chahiye hai na, different reference, jitne bhi books hain aapke hai na, jo bhi exam ke relevant wale hain, un sab cheezon ko complete kariye. क्योंकि अगर ज्वाइन करना है पहले से सोच लेना, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद 1 or 2 ईयर तो मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि तुम आए आराम से उठ के चले गए कॉलेज लाइफ में जैसे करते थे, लेकिन यहाँ पे आपको पर डे कुछ ना कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। एंड लास्ट क्वेश्चन, आर यू हैप्पी विद दिस जॉब? यस सर, हैप्पी। थैंक यू। यस एब्सोल्युटली आई एम हैप्पी, आपको मेरी स्माइल से दिख रहा होगा। या आई थिंक यू वुड हैव सीन थ्रू मी, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम थिंकिंग फ्रॉम 20 इयर्स फ्रॉम नाउ, सी यू, आई एम वेटिंग फॉर दैट डे।